मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज शिवपुर जिले के विजयपुर से लाडली बहना योजना के अंतर्गत 1,29,00,000 बहनों को 1574 करोड़ से अधिक राशि का सिंगल क्लिक से अंतरण किया। मुख्यमंत्री जी ने 1,29,00,000 बहनों को रक्षाबंधन के उपहार स्वरूप 322 करोड़ से अधिक राशि का भी सिंगल क्लिक से अंतरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने 344 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास कर सभी को बधाई व शुभकामनाएं दी। विजयपुर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 450 में गैस सिलेंडर रिफिल योजना के अंतर्गत 25,00,000 से अधिक बहनों को 52 करोड़ से अधिक की अनुदान राशि का सिंगल क्लिक से अंतरण किया। इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत 55,00,000 से अधिक हितग्राहियों को 332 करोड़ से अधिक राशि का सिंगल क्लिक से अंतरण किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो कहा था वो हो रहा है। लाडली बहनों के खाते में योजना के माध्यम से अब तक 21,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि अंतरित की गई है। विजयपुर के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी ने कई बड़ी घोषणाएं करते हुए कहा कि सीप नदी पर 30 करोड़ की लागत से पुल बनेगा, तहसील मुख्यालय कराहल और वीरपुर को नगर पंचायत बनाया जाएगा, माध्यमिक स्कूल सुनवाई और आरोद का परीक्षण करा के हाई स्कूल में उन्नत किया जाएगा, ग्राम पंचायत धामनी में धमनत नदी और कदवई के पास बहरेदे नदी का परीक्षण कर बांध का निर्माण होगा, अलग अलग समाजों के सामुदायिक भवन का निर्माण और छिमछिमा हनुमान मंदिर के विकास के लिए 1 करोड़ की राशि देने की घोषणा की। इससे पहले मुख्यमंत्री जी टीकमगढ़ में लाडली बहनों के लिए आयोजित रक्षाबंधन और श्रावण उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री जी ने यहां कहा कि रेडीमेड गारमेंट में लाडली बहनों को 10-15 हजार रुपए महीना मिले, इसके लिए उन्हें ट्रेनिंग दिलाने की योजना पर हमारी सरकार काम कर रही है। बहुत जल्द यहां मेडिकल कॉलेज भी खुलेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब दूध खरीदने पर भी बोनस दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि टीकमगढ़ के विकास के लिए कोई कमी नहीं रहेगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी ने विभिन्न योजनाओं के तहत हितग्राहियों को हितलाभ का वितरण कर बधाई व शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री जी ने आयोजन स्थल पर पोषण प्रदर्शनी, श्री अन्न से बने व्यंजन एवं ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं द्वारा लगाए गए स्टॉल्स का अवलोकन किया। टीकमगढ़ स्थित पुलिस परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री जी ने हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ किया एवं शांति के प्रतीक गुब्बारों को आसमान में छोड़कर हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। टीकमगढ़ प्रवास के दौरान पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन के लिए मुख्यमंत्री जी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधरोपण भी किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को ग्वालियर की लाडली बहनों ने राखी बांधकर आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री जी ने सभी बहनों को उपहार भेंट किए, साथ ही कहा कि राज्य सरकार उनके हर सुख दुख में सदैव सहभागी रहेगी, सरकार प्रदेश भर की बहनों के सशक्तिकरण में कोई कमी नहीं रखेगी। महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से सम्मानित होने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बधाई एवं शुभकामनाएं दी।